जैसे कि आपने बात किया OTT प्लेटफॉर्म की, तो आज के डेट में तो बहुत ही बड़ा लेवल पे OTT प्लेटफॉर्म अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि खासतौर पे वो समय जहाँ पे लॉकडाउन लग गया और लोग थिएटर्स नहीं जा सकते थे, सारे थिएटर्स बंद थे, ऐसे में घर पे अपने बैठ के लोग आराम से देख सकते हैं सिनेमा, और क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो यू नो OTT प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है, और काफ़ी बड़ी जगह बना चुका है। मेरी भी एक वेब सीरीज़ आ रही है जो मैंने नाम लिया बली वर्सेस बिरजू, जिसमें काफ़ी सारे हिंदी के एक्टर्स हैं, जैसे कि रजा मुराद जी, देन अपना राजू खेर जी, रजा मुराद जी ने मेरे दादा का रोल किया है, एंड देन किरण कुमार जी, बहुत सारे लोग सब हिंदी वाले हैं, एंड ओनली हीरोइन जो है वो भोजपुरी से है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया वेब सीरीज़ करके, अच्छा लगा, और आगे भी डेफिनेटली करना चाहूँगी क्योंकि ज़रूरत है, डिमांड है इस बात। तो मल्टी शॉट फिल्म आपने पहले भी किया है, क्या करना है मल्टी शॉट फिल्म में, काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि सारी इतनी सारी एक्ट्रेस इतने सारे एक्टर्स होते हैं? बहुत मज़ा आता है, मुझे लगता है सोलो फिल्म तो हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मल्टी स्टारर बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, कभी कभी बनती है मल्टी स्टारर, वरना जनरली जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सोलो हीरोइन या दो हीरोइन वाले, और खासतौर पे ऐसा जगह जहाँ पे आपके सब फ्रेंड्स हैं। पाखी जी कमाल की एक्ट्रेस हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रानी चैटर्जी अपने आप में सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं। सुदीप पांडे जी कमाल के वो एक्टर हैं। विनय आनंद जी तो सभी को पता है कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। एंड प्रिंस जी के साथ मैं पहली बार जुड़ूंगी, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो काफ़ी कुछ बता रहे थे कि कमाल के एक्टर हैं वो। तो उसके बाद सीनियर एक्टर्स जो हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हो गए, अमित जी हो गए, राहुल श्रीवास्तव जी, जो भी तमाम कलाकार, मुझे लगता है इस सेट पे बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है, और मतलब ये हम लोगों के लिए शूटिंग नहीं होगा, ये हम लोगों के लिए एक यू नो पिकनिक की तरह होने वाला है, हम लोग उतना, और ख़ासतौर पर लॉकडाउन के बाद जहाँ पे मतलब इतने समय से हम लोगों ने काम नहीं किया, और उसके बाद जब मिलेंगे और मल्टी स्टारर मूवी होगी, और तो बहुत ही मस्ती होगी। लॉकडाउन कैसा गुजरा था, लॉकडाउन में कुछ प्रोजेक्ट किया था आपने या कोई ऑफर आया था लॉकडाउन? जी जी, मैं डिजिटल भी काफ़ी काम करती हूँ, मैं लगातार कोई ना कोई ऐप से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था, तब मैं चिंगारी ऐप के लिए मैं काम कर रही थी, उसके बाद मैंने टैक्टीन किया, बोलो इंडिया किया, अभी फ़िलहाल जो है मैं रिसेंटली जोश ऐप से जुड़ी हूँ, तो उनके लिए तो मेरी वो चलती रहती है, मुझे वीडियोज़ बनाने ही होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटल आज के डेट में बहुत ही यू नो बड़े लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, तो डिजिटली काम मैं कर रही थी, ये अलग बात है कि क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी, तो शूटिंग नहीं कर सकते थे, शूटिंग नहीं किया, लेकिन ऐसा एहसास नहीं हुआ। अब ऑफ लेटली थोड़ा सा लगने लगा था, इसके पहले तक तो खूब इन्जॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं एक्चुअली भोपाल चले गई थी अपने घर पे, मैंने वैक्सीन लगवाया, पहला डोज मेरा वैक्सीन, और आप लोग को भी सबको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जिनको भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है, प्लीज़ आप लोग वैक्सीन लगवा लें। तो घर पर थी, अच्छा लग रहा था उनके साथ टाइम, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आई हूँ, एंड इतनी अच्छी धमाल के साथ, मतलब हम लोग इतनी बढ़िया फिल्म करना चाह रहे, तो अच्छा ही लग रहा है। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.